नमस्कार, जस्ट हिंदी के इस बेहद खास कार्यक्रम स्ट्रेट टॉक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अवंतिका यादव। संयुक्त राष्ट्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण का जिक्र हुआ तो उसके बाद से ही इंतजार था कि प्रधानमंत्री क्या बोलने वाले हैं। यूएन में, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में जब प्रधानमंत्री पोडियम पर खड़े होंगे तो वहां पर पूरी दुनिया को एक तरह से जो है प्रधानमंत्री किस तरह से संबोधित करने वाले हैं, क्या कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कहा जाएगा अपने इस भाषण में, इस पर नज़रें जो हैं टिकी हुई थी पूरे भारत की, पूरे देश के साथ साथ जो है दुनिया के दूसरे देशों की भी, कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो यहाँ से क्या संदेश देने वाले हैं। आखिरकार वो दिन आया और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संयुक्त राष्ट्र में भाषण हुआ है। इस दौरान कई सारे मुद्दों का प्रधानमंत्री ने जिक्र किया, आतंक पर करारा प्रहार किया, साथ ही साथ एक बेहद महत्वपूर्ण विषय जिसका जिक्र प्रधानमंत्री की ओर से बार बार किया भी जाता है, कई जो है कदम जो है उठाने की कोशिश सरकार देश में भी कर रही है, और वो जो टॉपिक है वो है एनवायरमेंट का, जो प्रधानमंत्री बहुत ही ज़्यादा जो है जोर देकर इस मसले को उठाते हुए नज़र आते हैं ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर। तो पर्यावरण का भी, एनवायरनमेंट का भी प्रधानमंत्री यहाँ पर जिक्र करते हुए नज़र आए हैं। ऐसे में स्ट्रेट टॉक में आज हम प्रधानमंत्री के यूएन के भाषण की ही बात करेंगे कितना इफेक्टिव रहा है उनका ये भाषण। तो मोदी एट यूएन पर आज हम करेंगे स्ट्रेट टॉक। को युद्ध नहीं बुद्ध दिए हैं। तो मोदी एट यूएन के बारे में आज हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संयुक्त राष्ट्र में भाषण रहा वो कैसा रहा, कितना इफ़ेक्टिव रहा, और उन्होंने जिन जिन मसलों का यहाँ पर जिक्र किया है क्या वो बहुत इंपॉर्टेंट मसले थे, उनका जिक्र क्यों किया जाना था, ऐसे तमाम चीज़ों के बारे में आज हम स्ट्रेट टॉक करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले वो सवाल जिन पर आज ज्यादा जोर दिया जाएगा, जिन पर बात होगी, एक बार उन सवालों पर भी नजर डाल लेते हैं। तो सवाल यही कि प्रधानमंत्री का भाषण आक्रामक था या फिर शांति संदेश लगा, क्या आपको लगता है एग्रेसिव प्रधानमंत्री का भाषण रहा या फिर पीस की तरफ उन्होंने ले जाने की बात कही। यूएन के मंच से आतंकवाद पर पीएम ने कितना बड़ा प्रहार किया ये आप बताइए। आतंकवाद और पर्यावरण को आज कितना बड़ा मसला आप मानते हैं, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री हर एक मंच से करते हुए नजर आते हैं। क्या आज पूरी दुनिया को एकजुट होने की ज़रूरत है आतंकवाद के खिलाफ, पर्यावरण को बचाने के लिए क्या ऐसे मसलों पर एकजुट होने की ज़रूरत है, क्या एक ग्लोबल लीडर की तरह पीएम ने यूएन में भाषण दिया या फिर एक देश के प्रधानमंत्री की तरह दिया, किस तरह से आपको आज उनका ये भाषण नज़र आया। यूएन के मोदी के भाषण पर आप सभी की राय क्या है आप ज़रूर शेयर कीजिए, कॉल कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है, ये नंबर आपको सिर्फ डायल करना है और मेरे साथ इस मंच का हिस्सा बनना है। स्ट्रेट टॉक का ये मंच आपके लिए है, फ़ोन लाइन्स आपके लिए खुली हुई हैं, ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा कॉल करके आप इस मंच का हिस्सा ज़रूर बनें और बताएँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस भाषण को आप दर्शकों ने अगर सुना तो आपको किस तरह का लगा, क्या आपको लगता है और भी बहुत सारे मसलों का इसमें जिक्र होना चाहिए था। हालांकि इंतज़ार ये हो रहा था कि प्रधानमंत्री जब बोलेंगे संयुक्त राष्ट्र के मंच से तो नज़र इस बात पर भी थी कि क्या कश्मीर का जिक्र उनके भाषण में होगा, क्या 370 का जिक्र प्रधानमंत्री के भाषण में होगा, क्या उसका जिक्र भी किया जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री ने जब भाषण दिया तो करीब 17 मिनट का उनका ये भाषण रहा और इसमें उन्होंने ना तो 370 का जिक्र किया ना ही उन्होंने कश्मीर का जिक्र भर भी किया। कश्मीर को लेकर जो है तरह तरह की बातें, मानवाधिकार हनन की बातें जो हैं दूसरे मुल्क उठा रहे हैं, पाकिस्तान जो है वो अक्सर हर एक मंच पर उठाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत जो है वो अपने बार बार सफाई देता रहा है कि कोई मानवाधिकार हनन नहीं हो रहा है, कर्फ्यू भी कश्मीर से हटा लिया गया है, ऐसे में ये भी नहीं है कि वहाँ पर कर्फ्यू लगा हुआ है, स्थिति सामान्य है, ये भारत बार बार कह रहा है। लेकिन संयुक्त राष्ट्र के मंच से
प्रधानमंत्री ने जो कुछ भी बातें जो हैं कही जा रही हैं कि भारत को लेकर, कश्मीर को लेकर, उन पहलुओं का जिक्र प्रधानमंत्री ने नहीं किया, यानी कश्मीर को छुआ भी नहीं है। ऐसे में और दूसरे जो हैं पहलुओं पर ज़रूर उन्होंने बात की, आतंकवाद जिसका लग रहा था कि प्रधानमंत्री ज़रूर उस पर बात करेंगे, और प्रधानमंत्री ने उस मसले पर बात भी किया। आतंकवाद पर पूरी दुनिया को एकजुट होने का जो है उन्होंने आह्वान भी किया है। उन्होंने कहा है वो समझते हैं कि ये अनिवार्य भी है, यानी ये बहुत ज़रूरी भी है कि पूरी दुनिया आतंकवाद के मसले पर जो है वो एक साथ खड़ी रहे। तो प्रधानमंत्री ने आज जो है बिना नाम लिए हालांकि आतंकवाद का जिक्र कर जो है पाकिस्तान पर कहीं ना कहीं प्रहार ज़रूर किया संयुक्त राष्ट्र के मंच से। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस मसले पर दुनिया बंटी हुई है, लेकिन ज़रूरत है कि हम एक यूनाइटेड हो जाएं, हम एक ग्लोबली जो है यूनाइट हुई इस मसले पर और इसका हल निकालने की कोशिश करें। तो ये तमाम पहलू रहे। प्रधानमंत्री ने बात पर्यावरण की भी की, हालांकि अक्सर हमने देखा है कि अलग अलग मंच से प्रधानमंत्री जो हैं वो पर्यावरण का जिक्र करते हुए नज़र आते हैं। न सिर्फ बाहर ग्लोबल जो है मंचों पर प्रधानमंत्री पर्यावरण का जिक्र करते हैं, बल्कि अपने देश में भी जब प्रधानमंत्री अपने पहले कार्यकाल में मन की बात कार्यक्रम करते थे तो उस मन की बात में भी कई बार जो है प्रधानमंत्री इस मसले को उठाते थे। प्रधानमंत्री जो है पेड़ लगाने की तरफ जो है सब पूरे भारतवासियों का ध्यान जो है केंद्रित करते थे, और अभी भी प्रधानमंत्री ने जब लाल किले की प्राचीर से अपना भाषण दिया तो प्रधानमंत्री ने एनवायरनमेंट का जिक्र करना जो है वो वहाँ पर नहीं भूले। सिंगल यूज़ प्लास्टिक के इस्तेमाल पर बैन लगाने की बात प्रधानमंत्री ने कही, यहाँ तक कि एक संकल्प जो है वो भी लेने की उन्होंने बात कही कि इस बार जो 2 अक्टूबर होगा जब गांधी जयंती हम मनाएंगे तो उस गांधी जयंती पर प्रधानमंत्री ने कहा कि संकल्प लें कि आपके घर में जितनी भी सिंगल यूज प्लास्टिक है उसको घर से बाहर निकालें और उसको जो है सबसे पहले घर से बाहर करने का काम करें। तो अब इस बार 15 अगस्त के मौके पर भी लाल किले की प्राचीर से बोलते हुए प्रधानमंत्री ने पर्यावरण का जिक्र किया, और यही जिक्र प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र के अपने इस भाषण में किया है। ऐसे में आप दर्शकों ने ये जो भाषण सुना प्रधानमंत्री का संयुक्त राष्ट्र में, वो आपको कैसा लगा? कश्मीर के मसले का जिक्र ना करना आपको वो भी कैसा लगा, आप ये ज़रूर बताइए। हालांकि इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री ने इसका जिक्र इसलिए नहीं किया क्योंकि भारत जो है वो कश्मीर के मसले का को जो है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत जो है अपना स्टैंड नहीं समझता इसको उठाने का, क्योंकि कश्मीर का मसला अपना मसला, यानी भारत का अपना मसला है। ऐसे में इसे हम खुद हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं, ना कि इसको जो है इंटरनेशनलाइज किया जाए इस इशू को। तो ये एक मकसद हो सकता है, ये एक रीज़न हो सकता है कि प्रधानमंत्री ने क्यों कश्मीर के मसले का जिक्र अपने से यूएन के भाषण में नहीं किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जो है जब जिक्र किया आतंकवाद का तो उसके बाद में उन्होंने बुद्ध का जिक्र करना भी वो अपने इस भाषण में नहीं भूले हैं। क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री ने आतंकवाद पर, कैसे पीएम मोदी ने यूएन के मंच से निशाना साधा है, उन्होंने क्या कुछ और बातें कही हैं, इसके बारे में बात करेंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद फौरन वापस लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका, स्ट्रेट टॉक देख रहे हैं आप, और आज हम स्ट्रेट टॉक कर रहे हैं संयुक्त राष्ट्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के ऊपर। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र में अपना भाषण दिया है, और इस दौरान प्रधानमंत्री ने आतंकवाद पर करारा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि हमने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिए हैं, और बिना नाम लिए ही आतंकवाद के ऊपर जो है जो देश हैं जो आतंकवाद को पाल रहे हैं, पोष रहे हैं, उनके ऊपर प्रहार प्रधानमंत्री ने कर दिया है। ऐसे में प्रधानमंत्री का भाषण आपने अगर ये सुना तो आपको कैसा लगा, आप ज़रूर बताइए। कॉल कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है, ये नंबर आपको सिर्फ डायल करना है और मेरे साथ इस मंच का हिस्सा बनना है और बताना है कि आपको क्या लगा प्रधानमंत्री ने जिन जिन मसलों पर बात की है, कितने ज़रूरी आपको ये मसले लगे, और प्रधानमंत्री ने इस मसलों पर बात करते हुए जो
कहा है वो आपको कितना सही लगा। साथ ही साथ जो कुछ और पहलू थे जो प्रधानमंत्री ने नहीं छुए हैं अगर, तो क्या आपको लगता है उन पर बात करनी चाहिए थी, या फिर आपको सही लगा कि प्रधानमंत्री ने जो दूसरे इशू जैसे कश्मीर का इशू है उसको इंटरनेशनलाइज नहीं किया, उस पर कोई चर्चा संयुक्त राष्ट्र के मंच से भारत ने नहीं की है। आप दर्शक अपने व्यूज जरूर शेयर कीजिए, अपने ओपिनियन शेयर कीजिए। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, ये नंबर आपको डायल करना है और इस मंच का हिस्सा बनना है। आप देखिए कि प्रधानमंत्री ने आज आतंकवाद पर प्रहार करते हुए कहा कि भारत ने दुनिया को युद्ध नहीं बल्कि बुद्ध दिए हैं। उन्होंने कहा कि हमारी आवाज में आतंकवाद के खिलाफ दुनिया को सतर्क करने की गंभीरता और आक्रोश दोनों है। आतंकवाद मानवता और दुनिया के लिए चुनौती है, ये प्रधानमंत्री ने कहा है। इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने कहा कि इस मुद्दे पर बटी हुई दुनिया उन सिद्धांतों को चोट पहुंचाती है जिनके आधार पर यूएन का गठन हुआ था। पीएम मोदी ने पाकिस्तान का नाम लिए बिना ही आतंकवाद पर तीखा हमला बोला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ पूरी दुनिया एकजुट होना पूरी दुनिया के लिए ज़रूरी है। बिखरी हुई दुनिया किसी के भी हित में नहीं है। हमारे पास ना तो अपनी सीमाओं में सिमटने का विकल्प है, ये भी प्रधानमंत्री ने इस मंच से कहा। देखिए एक एक सेंटेंस, एक एक लाइन का उनका अर्थ अगर हम निकालें तो बहुत ही ज़्यादा हैवी स्टेटमेंट्स प्रधानमंत्री ने दी हैं। प्रधानमंत्री ने सभी से आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने की बात कही है। उन्होंने कहा कि ये ज़रूरी नहीं बल्कि ये अनिवार्य है, कंपल्सरी है कि पूरी दुनिया इस मसले पर एकजुट होकर नजर आए, एकजुट होकर काम करें। बटी हुई दुनिया जो है वो किसी के भी हित में नहीं हो सकती है। आतंकवाद पर प्रहार करते हुए प्रधानमंत्री ने और क्या कुछ कहा है सुनिए। हम उस देश के वासी हैं जिसने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिए हैं, शांति का संदेश दिया है। और इसलिए हमारी आवाज में आतंक के खिलाफ दुनिया को सतर्क करने की गंभीरता भी है और आक्रोश भी। हम मानते हैं कि ये किसी एक देश की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की और मानवता की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। आतंक के नाम पर बटी हुई दुनिया उन सिद्धांतों को ठेस पहुंचाती है जिनके आधार पर यूएन का जन्म हुआ है, और इसलिए मानवता की खातिर आतंक के खिलाफ पूरे विश्व का एकमत होना, एकजुट होना मैं अनिवार्य समझता हूं। तो आपने सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, उन्होंने कहा कि आतंकवाद किसी एक देश की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की समस्या है और इसीलिए ये मानवता के लिए एक बड़ी चुनौती है, इसलिए जरूरी है कि इस पर पूरी दुनिया एकजुट हो। प्रधानमंत्री ने कहा कि बटी हुई दुनिया किसी के भी हित में नहीं हो सकती है, इसलिए आतंकवाद के खिलाफ पूरी दुनिया का एकजुट होना न सिर्फ जरूरी है बल्कि अनिवार्य भी है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा यहाँ इस दौरान कि हमारे पास अपनी सीमाओं में सिमटने का विकल्प नहीं है, हमें संयुक्त राष्ट्र को नई शक्ति और नई दिशा देनी ही होगी, ये प्रधानमंत्री ने यहाँ पर जोर दिया है। इसके साथ ही साथ उन्होंने स्वामी विवेकानंद का जिक्र करते हुए कहा कि 125 साल स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद से दुनिया को एक संदेश दिया था। ये संदेश था सद्भाव और शांति का। भारत की ओर से आज भी दुनिया के लिए यही संदेश है। भारत का संदेश
सद्भाव और शांति का प्रधानमंत्री ने इस मंच से एक बार फिर से दिया। और इसीलिए जो है ये सवाल भी मैंने जो पूछा था शुरू में कि प्रधानमंत्री का ये भाषण आपको आक्रामक नज़र आया या फिर एक शांति संदेश की तरह नज़र आया, क्योंकि प्रधानमंत्री ने यहाँ पर किसी के ऊपर डायरेक्ट अटैक नहीं किया, बल्कि यहाँ पर जो है शांति संदेश एक तरह से प्रधानमंत्री ने देने की बात की है। जो ग्लोबल इश्यूज हैं उनको ज़रूर उठाया है, लेकिन एक बहुत ही जो है विनम्र लहजे में, जो भारत का लहजा भी है, कि किस तरह से हम शांति बरकरार रख सकते हैं। किसी को कोई चेतावनी प्रधानमंत्री ने नहीं दी है, बल्कि यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री एक शांति दूत की तरह हम कह सकते हैं कि नज़र आए हैं। ऐसे में आप दर्शकों के इस पर विचार, आपके व्यूज़ क्या हैं, आप ज़रूर बताइए। कॉल करके आप इस मंच का हिस्सा बनिए और अपने व्यूज़ शेयर कीजिए। प्रधानमंत्री ने जो कुछ कहा यहाँ पर उसे आप कैसे देखते हैं, ये ज़रूर बताइए। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 74वें सत्र में बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि यदि दुनिया आतंकवाद पर बटी हुई दिखती है तो ये फिर संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों से अन्याय होगा। उन्होंने कहा कि आज से 3000 वर्ष पूर्व हमारे तमिल कवि ने कहा था कि हम सभी स्थानों के लिए अपनेपन का भाव रखते हैं और सभी लोग हमारे अपने हैं। भारत ने विश्व बंधुत्व के उस महान परंपरा को आगे बढ़ाने का काम किया है। महात्मा गांधी का जिक्र भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र के इस मंच से किया और महात्मा गांधी का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि पूरा विश्व इस साल महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मना रहा है। सत्य और अहिंसा का उनका संदेश विश्व की शांति और प्रगति के लिए आज भी महत्वपूर्ण है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रधानमंत्री ने अपना ये भाषण हिंदी में दिया, यानी ये जो है प्रधानमंत्री का आप देखिए कि छठा भाषण हो गया, लेकिन इस बार भी प्रधानमंत्री ने हिंदी में ही अपना ये पूरा भाषण दिया है। हालांकि इसको लेकर देश में पहले जो है ज़रूर बातें उठती रही हैं कि हिंदी में जाकर प्रधानमंत्री क्यों बोलते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री अपने इस स्टैंड पर कायम रहे हैं। वो संयुक्त राष्ट्र में उन्होंने अब जब तक भी जब भी जितनी बार प्रधानमंत्री बोले हैं तो हमेशा हिंदी में ही उन्होंने अपना भाषण दिया है। यहाँ तक कि जब सुषमा स्वराज जो पूर्व विदेश मंत्री जो है रही, वो भी जब संयुक्त राष्ट्र में जाती थी, उनका जिस अंदाज में वो बोलती थी वो बहुत आक्रामक होता था। उनका एक एक शब्द जो है सुनने योग्य होता था, जिस सधे हुए लहजे में वो अपनी बात रखती थी, लेकिन हिंदी में अपना भाषण सुषमा स्वराज भी देती थी। लेकिन प्रधानमंत्री का ये जो भाषण रहा, इसमें और क्या कुछ बातें रही हैं इसके बारे में हम और बात करेंगे, लेकिन फिलहाल एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। स्ट्रेट टॉक देख रहे हैं आप और आज हम स्ट्रेट टॉक कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संयुक्त राष्ट्र में दिए गए भाषण के ऊपर। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिरकार अपना भाषण दिया, उन्होंने अपनी बात रखी। ऐसे में आप दर्शकों ने अगर उनका ये भाषण सुना और आपने सुना कि उन्होंने किस किस मसले पर बात की है, तो फिर आपको उनका ये भाषण कैसा लगा ये आप हमें ज़रूर बताइए। प्रधानमंत्री का अंदाज कैसा लगा, क्या आपको लगा कि एक ग्लोबल लीडर की तरह प्रधानमंत्री ने अपना ये जो भाषण है वो दिया है। आप दर्शकों को जो लगता है आप अपने व्यूज़ अपने ओपिनियन ज़रूर शेयर करें और बताएं कि प्रधानमंत्री का ये भाषण आपने किस तरह से लिया है। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, ये नंबर आपको सिर्फ डायल करना है और मेरे साथ इस मंच का हिस्सा बनना है और बताना है अपने व्यूज़ अपने ओपिनियन यहाँ इस मंच के ज़रिए शेयर करने हैं। अब देखिए ग्लोबल लीडर का मैंने जो जिक्र किया है कि क्या प्रधानमंत्री ने अपना ये भाषण एक ग्लोबल लीडर की तरह दिया है, न सिर्फ एक देश के एक प्रधानमंत्री की तरह बनकर। ये बात मैंने इसलिए बोली है क्योंकि अगर आप देखें कि प्रधानमंत्री ने अपने इस भाषण में खुद को एक सिर्फ एक दायरे में नहीं समेटा, यानी सिर्फ एक देश के ऊपर एक देश के ऊपर प्रहार करना, सिर्फ उसी के ऊपर बात करना। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण को ऐसा करके छोटा नहीं किया, बल्कि ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में प्रधानमंत्री ने बात की है। जो ब्रॉडर इश्यूज़ हैं,
जो ग्लोबल इश्यूज हैं प्रधानमंत्री ने उनका जिक्र किया है, चाहे वो टेररिज्म का इशू हो, चाहे वो एनवायरनमेंट का इशू हो, चाहे वो पॉवर्टी का इशू हो, तो प्रधानमंत्री ने जो ग्लोबल इश्यूज हैं, जो ब्रॉडर इश्यूज हैं, उन तमाम इश्यूज को अपने इस भाषण में उठाने की कोशिश की है। इसीलिए मैंने जिक्र किया कि क्या प्रधानमंत्री एक ग्लोबल लीडर की तरह यहाँ पर इस मंच से, संयुक्त राष्ट्र के मंच से अपनी बात कहते हुए नजर आए हैं। हेलो हेलो, नमस्कार वंतिका जी, मैं सतीश बोल रहा हूँ शिकागो से। जी नमस्कार सतीश जी, बहुत स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक में। अवंतिका जी, मोदी जी की जो स्पीच है यूनाइटेड नेशंस में, एक बड़े ही सभ्य प्रधानमंत्री की, एक सभ्य देश की विचारधारा को सामने रखते हुए एक सभ्य समाज के सदस्य की तरह की वो स्पीच थी, जो सुने दूसरे देश के लोग उनको भी अच्छा लगे कि एक डिग्निफाइड आदमी एक डिग्निफाइड मैसेज हम सबको दे रहा है। देखिए, ये स्पीच पिछले महीने की 15 अगस्त की जो स्पीच थी मोदी जी की, उसके साथ काफी मिलती है, खासकर जैसे प्लास्टिक कंट्रोल, सफाई के बारे में और ODF के बारे में। लेकिन इस बार मोदी जी ने जो सही काम किया वो ये कि जो 15 अगस्त को उन्होंने कहा वो उन्होंने देश को जोड़ा, इस बार उन्होंने देश को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ जोड़ा। इस बार उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को बताया कि जिस तरह आप एनवायरनमेंट के बारे में वरीड हो, देखो हमने भी उसमें काम किया है और देखिए ये सफलताएं प्राप्त की है, लेकिन इस पे हम रुके नहीं हैं, अब हम आगे चलते चले जाएंगे। अवंतिका जी, 100 से ज्यादा देश हैं जिनको ये काम करने हैं, लेकिन उनके पास मॉडल नहीं है, वर्किंग मॉडल नहीं है, उनको स्ट्रेटेजी पता नहीं है कि ODF कैसे करना है, प्लास्टिक को उसका यूज कंट्रोल कैसे करना है, वो भारत से सीखेंगे। इस तरह देखिए ज्ञान का आदान प्रदान आपस में होगा। तो इस फोरम पे, यूनाइटेड नेशंस पे आके मोदी जी ने दोनों हाथ से, खुले हाथ से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इतना कुछ दिया है कि सभी कह सकते हैं कि हाँ, आज हमें भारत से झोली भर के आइडियाज और सहयोग जो है हमें मिला है। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा सा रुकूंगा अवंतिका जी, ये कहने के लिए कि देखिए, जहाँ भारत एक बड़ा शिक्षित शिष्टाचार वाला देश है, कई दफा हम लोग अपने काम करते करते, मेहनत करते करते भूल जाते हैं कि हमारे दरवाजे पे एक भेड़िया भी खड़ा है और वो भेड़िया जो है उसके मुंह पे खून लगा हुआ है और वो भेड़िया इस वक्त जो है क्लियरली पाकिस्तान है। हमारे मोदी जी ने बिल्कुल नियमानुसार 15 मिनट की स्पीच जो थी अपनी खत्म की, 17 मिनट, दैट्स फाइन। उनकी स्पीच देखिए 48 मिनट तक चली और उसमें उन्होंने बार बार उकसाने वाले शब्द कहे, उकसाने वाले उन्होंने वाक्य यूज किए और उन्होंने दुनिया, जी उन्होंने दुनिया को क्लियरली एक बात कह दी इमरान खान ने, मैं ये काम करने लगा हूँ, बाद में मत कहना कि मैंने तुम्हें वार्न नहीं किया था। देखिए कंट्रास्ट देखिए, हम जो कर रहे हैं वो दुनिया करना चाहती है और वो जो करने की शरारत सोच रहे हैं वो दुनिया नहीं करना चाहती, दुनिया उस रास्ते पे नहीं जाना चाहती, लेकिन फिर भी आज उन्होंने दुनिया को मजबूर किया 15 घंटा अपनी रैंटिंग सुनने के लिए, सबको सुनना पड़ा और उनका लहजा यही था कि मैं ये करने वाला हूँ, तुम्हें समझ आए या ना आए, मुझे तो समझ आ गई है कि अब ये रास्ता यही है हमारे पास डिस्ट्रक्शन का, डिस्ट्रॉय करने का, मारने का, और मैं करूंगा। कल को मत कहना कि मैंने तुम्हें बताया नहीं। इस वक्त अवंतिका जी, भारत को, भारत ने इतना कुछ दूसरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को दिया, हमने क्या सीखा? हम जो वहां से सीख हमारे लिए है वो ये कि अब अवंतिका जी, भारत में आके अपनी तरक्की के साथ साथ,
अपनी प्रगति के साथ साथ अपनी सुरक्षा के ऊपर ध्यान दें। सुरक्षा के ऊपर ध्यान देना हमारा बहुत जरूरी है। सुरक्षा उतनी ही जरूरी है जितना साइंस का डेवलपमेंट हमारी, जितनी टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट हमारी जरूरी है। और इसके लिए हमारे भारत को चौकन्ना रहना पड़ेगा। धन्यवाद वंतिका जी, बहुत बहुत शुक्रिया सतीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, स्ट्रेट टॉक का हिस्सा बनने के लिए। भारत माता की जय। भारत माता की जय हो। तो सतीश जी ने बिल्कुल सही किया कि इस वक्त जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि हम अपनी जो सीमा की सुरक्षा है उसको जो है सेफगार्ड करें, सीमाएं जो हैं उनको सुरक्षित करने का काम हम जो है सबसे पहले प्रायोरिटी के साथ करें। और जो उन्होंने नाम बिना नाम लिए हम ये बात हम भी कह सकते हैं कि जो दूसरा देश है पाकिस्तान, हालांकि नाम अगर ले भी ले तो पाकिस्तान ने जिस तरह से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान संयुक्त राष्ट्र में अपना ये भाषण देते हुए नज़र आए, सीधे सीधे धमकी जो है वो दुनिया को देते हुए नज़र आए कि फिर मत बोलना कि मैंने आपको बताया नहीं, मैं ये कदम उठाने वाला हूँ। सतीश जी ने बिल्कुल सही ये कोट किया है कि एक तरह से उन्होंने दुनिया को भी ब्लेम कर दिया है कि आपकी वजह से ये होने वाला है, इसलिए कदम उठाइए। और उन्होंने अपना कदम भी बता दिया है कि वो क्या करने वाले हैं, आगे क्या तैयारी है पाकिस्तान की, इमरान खान की क्या कुछ एक्शन इमरान खान लेने वाले हैं, तो ये भी वो यहाँ पर बता गए हैं और दुनिया को इसके लिए ब्लेम भी करके चले गए हैं। लेकिन वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत ही सधे हुए, बहुत ही पीसफुल अंदाज में अपनी जो बातें हैं, जो उन्हें ग्लोबल इश्यूज़ इस ग्लोबल मंच से उठाने थे, अंतर्राष्ट्रीय मंच से उठाने थे, प्रधानमंत्री ने बहुत ही सरलता के साथ अपनी ये बातें जो हैं रखी हैं, जिसे पूरी दुनिया ने सुना भी है। उन्होंने पूरी दुनिया को इन इश्यूज़ के साथ जोड़ने की कोशिश भी की है। और एक और बात प्रधानमंत्री ने यहाँ पर एनवायरनमेंट का जिक्र जो है वो किया है, और इस पर बार बार प्रधानमंत्री एम्फसाइज करते हुए अलग अलग मंच से नज़र आते हैं। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र के मंच से प्रधानमंत्री ने एनवायरनमेंट को लेकर क्या बोला ये भी आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका, स्ट्रेट टॉक देख रहे हैं आप और आज हम स्ट्रेट टॉक कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में दिए गए भाषण के ऊपर। उन्होंने जिन जिन इश्यूज़ का, जिस जिस पहलू पर उन्होंने बात की है, उन तमाम पहलुओं के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा और कितने इम्पॉर्टेंट वो आज के समय के हिसाब से हैं। ऐसे में आप दर्शकों ने भी अगर प्रधानमंत्री का भाषण सुना जो उन्होंने यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में दिया है, मैं 17 मिनट का उनका ये भाषण रहा, बहुत क्रिस्प बातों में एकदम सधे हुए और बहुत ही चूज्ड वर्ड्स के साथ में प्रधानमंत्री ने ये भाषण दिया। कैसा लगा आपको ये प्रधानमंत्री का भाषण, उन्होंने जिन जिन मसलों पर बात की है आपको कितने इम्पॉर्टेंट वो लगे, और प्रधानमंत्री ने उन पर जो कहा है वो अंदाज़ प्रधानमंत्री का आपको कैसा लगा, ज़रूर बताइए। कॉल करके आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। स्ट्रेट टॉक का ये मंच आपके लिए है, फ़ोन लाइन्स आपके लिए खुली हुई हैं, नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, ये नंबर आपको सिर्फ डायल करना है और मेरे साथ इस मंच का हिस्सा बनना है, अपने व्यूज़ अपने ओपिनियन शेयर करने हैं। ब्रेक से पहले हमने जो है आतंकवाद का जिक्र किया, मैंने सुनाया आपको कि प्रधानमंत्री ने आतंकवाद का जिक्र करते हुए क्या कुछ कहा, लेकिन एक और मसला जिसका जिक्र प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी करते हैं, भारत में अपने देश में भी इस पर बहुत ज़्यादा जोर प्रधानमंत्री बार बार दे रहे हैं। जब लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त पर वो बोल रहे थे तो उस दौरान भी प्रधानमंत्री ने बहुत जोर देकर पर्यावरण संरक्षण का प्रधानमंत्री ने जो है उसके बारे में बात की। ऐसे में अब जब इंटरनेशनल मंच की बात थी, ग्लोबल लीडर्स से जुड़ने की बात थी, तो यहाँ भी प्रधानमंत्री ने इस मसले का जिक्र किया है। और प्रधानमंत्री अक्सर हर मंच से पर्यावरण संरक्षण की बात जो है करते हुए नज़र आते हैं। ऐसे में जब संयुक्त राष्ट्र के मंच से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मसले पर बोले तो उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। अध्यक्ष महोदय, अगर इतिहास और पर कैपिटा एमिशन के नजरिए से देखें तो ग्लोबल वार्मिंग में भारत का योगदान बहुत ही कम रहा है, लेकिन इसके समाधान के लिए कदम उठाने वालों में भारत एक अग्रणी देश है।
एक और तो हम भारत में 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी के लक्ष्य पर काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस स्थापित करने की पहल भी की है। ग्लोबल वार्मिंग का एक प्रभाव यह भी है कि नेचुरल डिजास्टर्स की संख्या और उनकी तीव्रता तो बढ़ती ही जा रही है, उनका दायरा और उनके नए नए स्वरूप भी सामने आ रहे हैं। इस स्थिति को देखते हुए ही भारत ने कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI बनाने की पहल की है। दुनिया के देशों को इससे जोड़ने के लिए मैं निमंत्रण देता हूं। इससे ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में मदद मिलेगी जिन पर प्राकृतिक आपदाओं का प्रभाव कम से कम होगा। तो आपने सुना प्रधानमंत्री को, उन्होंने न सिर्फ जो है पर्यावरण संरक्षण से के लिए दूसरों को बोला है कि हम सबको इसके लिए कदम उठाने की ज़रूरत है, बल्कि खुद भारत ने जो कुछ कदम उठाए हैं उसके बारे में भी वो यहाँ पर बात करते हुए नज़र आए हैं। और उन्होंने कहा है कि ग्लोबल वार्मिंग में भारत का जो है वो सबसे कम योगदान रहा है, और साथ ही साथ पर्यावरण को लेकर जो बड़े बड़े कदम उठाए हैं उसका जिक्र प्रधानमंत्री ने ज़रूर किया। CDIR का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया और साथ ही उससे जोड़ने के लिए सभी देशों को आमंत्रित भी किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जो कुछ नेचुरल डिजास्टर्स हैं उनको जो है हैंडल करने में, इनको कम करने में से मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना का भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने भारत में सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ अभियान का भी जिक्र किया इस ग्लोबल मंच से। उन्होंने कहा कि आने वाले 5 सालों में हम जल संरक्षण को बढ़ावा देने के साथ ही 15 करोड़ घरों को पानी की सप्लाई से जोड़ने वाले लक्ष्य को लेकर भी आगे बढ़ रहे हैं। तो पर्यावरण संरक्षण की बात प्रधानमंत्री यहां पर करते हुए नजर आए हैं। इसके साथ ही साथ स्वच्छता की बात भी प्रधानमंत्री ने कही और कहा कि भारत में स्वच्छता को लेकर चलाए जा रहे मिशन पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि हमने 5 साल में 11 करोड़ शौचालय जो है बनाने का काम किया है। ये पूरी दुनिया को एक प्रेरक संदेश देने जैसा है। दुनिया ने टीबी से मुक्त करने के लिए 2030 तक का समय रखा है, लेकिन हम 2025 तक भारत को इससे मुक्त करने के लिए काम कर रहे हैं। यानी कि 5 साल पहले जो है जो दुनिया ने लक्ष्य रखा है उससे भी 5 साल पहले का लक्ष्य भारत ने रखा हुआ है। इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने यहाँ जनधन अकाउंट आयुष्मान योजना का भी जिक्र किया और कहा कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ स्कीम चला रहा है। 50 करोड़ परिवारों को 5 लाख रुपए तक के इलाज की मदद दी जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने जनधन अकाउंट बैंकों में सीधी सब्सिडी का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हम अगले 5 सालों में दूर दराज के गांवों को जोड़ने के लिए 125,000 किलोमीटर से ज़्यादा सड़कें बनाने जा रहे हैं। 2022 तक हम गरीबों के लिए 2 करोड़ और घरों का निर्माण करने जा रहे हैं। यानी भारत अपने देश में जो है क्या कुछ कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन तमाम बातों का जो है जिक्र यहाँ पर किया कि देश में उनकी सरकार जो है वो क्या कुछ बदलाव लाने जा रही है, उनका जोर जो है किन किन मसलों पर है। प्रधानमंत्री ने यहाँ पर यह भी कहा कि सवाल ये है कि आखिर नए भारत में तेजी से बदलाव कैसे आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत हजारों साल पुराने एक संस्कृति है जिसकी अपनी जीवंत परंपराएं हैं। हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति जीव में शिव में देखती है, इसलिए हमारा प्राण तत्व है जन भागीदारी से कल्याण। यही नहीं, हम जन कल्याण से जग कल्याण तक की बात कहते हैं। तो ये प्रधानमंत्री ने जो है तमाम मसलों का जिक्र इस अंतर्राष्ट्रीय मंच से किया है। लेकिन ख़ास बात ये रही इस पूरे भाषण की कि उन्होंने कश्मीर का जिक्र नहीं किया, यानी कि बिना कुछ कहे ही अपना स्टैंड क्लियर कर गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्योंकि भारत का रुख
और भारत का स्टैंड शुरू से यही रहा है कि कश्मीर का मसला हमारा अपना मसला है, कश्मीर के मसले पर अगर बात करनी भी है तो वो सिर्फ पाकिस्तान के साथ होगी, सिर्फ बायलेटरल बातचीत जो है कश्मीर के मसले पर होगी, इसमें किसी थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस जो है वो भारत नहीं चाहता और हमेशा से इसके खिलाफ जो है भारत रहा है। ऐसे में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अब जब संयुक्त राष्ट्र के मंच से ग्लोबल लीडर्स से जुड़ने की बात थी तो उन्होंने कश्मीर के मसले को इंटरनेशनलाइज नहीं किया है, उसका अंतर्राष्ट्रीयकरण नहीं किया है, क्योंकि कश्मीर के मसले पर अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते तो उसका सीधा सीधा मतलब ये होता कि दूसरे देशों को कश्मीर के मसले पर जोड़ने की कोशिश प्रधानमंत्री कर रहे हैं, जो कि भारत नहीं चाहता। और इसीलिए बिना कुछ कहे ही, बिना इसका जिक्र किए ही प्रधानमंत्री अपना एक स्पष्ट और साफ संदेश कश्मीर के मसले पर दे गए हैं। लेकिन जिन देशों ने कश्मीर के मसले को उठाने की बात की कही थी, जिन्होंने कोशिश भी की अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस मसले को उठाने की, जो अलग अलग देशों से समर्थन हासिल करने की कोशिश जो है इस मसले पर कर रहे थे, उन्हें भी एक झटका लगा, क्योंकि महज दो या तीन देशों के अलावा और किसी देश ने भी कश्मीर का जिक्र इस मंच से नहीं किया है। यानी कि जो ग्लोबल लीडर्स वहाँ पर मौजूद थे, संयुक्त राष्ट्र के मंच का जो हिस्सा है, उन्होंने भी इस मसले का जिक्र करना इस मंच से मुनासिब नहीं समझा। और इसी के साथ स्ट्रेट टॉक में बस इतना ही, आप मुझे दीजिए इजाज़त।